नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। बड़े साहब का एक क्वेश्चन आया है। राजू जी, मैं डिफेंस में काम करता हूँ और पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। शायद पीएफ पे ठीक ठाक कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है, हर जगह पे मिलता है, सिर्फ पीएफ पे नहीं, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, हर जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे उदाहरण से समझाता हूँ मैं कि 1 लाख रुपया आपने बैंक में जमा किया, कहीं भी जमा किया, पीएफ में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी, 7% ब्याज बताया, तो साल का, 1 साल का 1,07,000 हो गया। अब इस पे अगले साल इस पे 7,000 मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी बोलते हैं ना, ब्याज पे ब्याज, तो इस पे 7,000 मिलेगा। पर कोई बोले कि नहीं, हम इस पे नहीं देंगे, 1 लाख पे तो देंगे सिंपल इंटरेस्ट 7,000, पर 7,000 का 7% नहीं देंगे। अच्छा, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, 1 साल के बाद गया बंदा, बोला हमारा पैसा लाओ, कितना, 1,07,000, बैंक गया, पैसा वापस विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करके बोला फिर काउंटर पे, लो फिर से ले लो 1,07,000, फिर से एक जगह से विड्रॉ किया, दूसरे खिड़की में बोला लो फिर से जमा ले लो, तो अब तो फिर 7% देना पड़ेगा ना, 1,07,000 का देना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह पे होता है, ये तर्कसंगत नहीं है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए, एक्युमुलेटेड पैसे पे भी देना ही पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह पे होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना कि वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है, ऐसा बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे बोलते हैं, पीएफ में कंट्रीब्यूट करूँ 30,000 रुपये पर मंथ, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड ले लूँ। कुछ दिनों से म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, तो मेन क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये पर मंथ प्रोविडेंट फंड में ही करते रहूँ या फिर 3 म्यूचुअल फंड ले लूँ। जब रिटायर करूँगा तो 1.5 से 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो क्या करें बताइए। इससे पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, जितने भी बड़े ऑफिसर हैं ना, उनको ऐसा लगता है पीएफ पे मिलता तो 7% है। मैंने बहुत सारे ऑफिसर को ये कमेंट में फ़ोन पे बोलते सुना है कि पीएफ पे मिलता तो 7% है, पर कंपाउंड होके 12 से 15, 16, 17, 18, 20 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं सोचना है कि 7% मिला तो कंपाउंड होके हमारे प्रोविडेंट फंड में 12, 13, 14, 15 ऐसे मिल जाता है, कैसे नहीं सोचना है, हम तो सोचेंगे, नहीं सोचना है सर, ऐसे नहीं सोचना है। अच्छा, कैसे सोचना है, यहाँ देखिए सोचवाते हैं हम आपको। लमसम पे गए, 1 करोड़ रुपया आपके प्रोविडेंट फंड में रखा हुआ है, पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, कहीं भी रखा हुआ है, 1 साल के बाद 7% ब्याज बोलते हैं, तो 7 लाख ब्याज आ गया, यहाँ कैश फ्लो में 7 लाख रुपया ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब चलते हैं, तो यहाँ तो 1 साल में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, साल भर के बाद 1 करोड़ 7 लाख हो गया। अब चलते हैं इस साल को 2 साल कर देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट बनाया हूँ मैं, बना रहा हूँ, काम चल रहा है, 2 साल के बाद 1,14,49,000 रुपया हो गया, कैश फ्लो देख लेते हैं। अब दूसरे साल इंटरेस्ट हो गया, पहले साल 7 लाख था, दूसरे साल हो गया 7,49,000, टोटल मिलकर हो गया 1,14,00,000। तो अब क्या बोलेंगे कि पिछले साल तो 7% ब्याज था और अब 14% ब्याज हो गया, चलो 3 साल कर देते हैं। यहां पे 7% ही डाला हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कैलकुलेटर है ये, 1 करोड़ 2 साल 7%, इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं मैं, 3 साल को करता हूं, अब इस साल को 3 कर देता हूं। अब कैश फ्लो देखते हैं, पहले साल 1,07,00,000, दूसरे साल ब्याज का भी ब्याज मिला 1,14,49,000, तीसरे साल इस 14,49,000 पे भी 7% ही ब्याज मिला, तो 1,22,50,430 रुपया। तो क्या बोलना चाहते हैं, 12 मिल जाता है, 13 मिल जाता है, 15 भी मिल जाता है, बोलना क्या चाहते हैं, 7%, 14%, 22% मिल गया, तो चलिए 1 साल और बढ़ा देते हैं, ये 1 साल बढ़ा दिया और इसको छेड़छाड़ नहीं किया हूं मैं, 7 का 7 कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। हमको यह समझाना है आपको कि 12, 15, 16 प्रोविडेंट फंड में कैसे मिल जाता है। बड़का बड़का आदमी का बात बोल रहा हूं मैं, बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर का बात कर रहा हूं। ओ माय गॉड, 4 साल के बाद कैश फ्लो देखते हैं, पहले साल 1,07,00,000, दूसरे साल 1,14,00,000, तीसरे साल 1,22,50,000 और चौथे साल 1,31,07,000। तो क्या बोलेंगे, अब चौथे साल, 4 साल में 31% का ब्याज मिला,
ये तो एब्सोल्यूट रिटर्न है कि इतना दिया इतना मिला, ब्याज बताओ, वही फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। यहाँ पे समय नहीं होगा, जब सीधा पैसा लगाएंगे कि वहां से यहां कितना, तो 31% उस साल को हटा दीजिए, इतना दिया मूलधन 1 करोड़ और बाद में आया कितना 1 करोड़ 31 लाख, तो 31% ब्याज हो गया, तो एब्सोल्यूट रिटर्न होगा, वो टाइम नहीं होगा। लेकिन जब आप कंपाउंड का बात करते हैं तो आपको यहां पे साल दर्शाना पड़ेगा, 4 साल में 7-7% करके कंपाउंड कंपाउंड करते करते ये पैसा इतना हो गया। राजू जी क्वेश्चन तो हम कुछ और पूछे थे, आप बताने लगे कुछ और, क्या करें, मन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, तो मन में आया दिल में आया तो बता दिया। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि 30,000 रुपये पर मंथ करेंगे कि यहाँ पे आप जब रिटायर करेंगे तो वन टाइम आपको 1.5-2 करोड़ रुपये मिल जाएगा, और जो ऑफिसर को पेंशन भी मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, आपको पेंशन मिलता है नहीं मिलता है मैं इस पर डिस्कस नहीं करता हूँ, तो काफ़ी सारे ऑफिसर हैं जिनको पेंशन मिलता है, तो वन टाइम में पैसा भी खूब मिल जाएगा और पेंशन भी मिल लेगा मान लो, तो आप रिस्क ले सकते हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि प्लॉट वन में आपने घर बना के रखा होगा, प्लॉट टू और प्लॉट थ्री भी लेके रखा होगा, ये सब कुछ नहीं लिया है तो अपना आलिशान घर तो अभी तक रिटायरमेंट के पहले होगा ही होगा, तो आप रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्क लेना है तो करना क्या है, देखते हैं SIP के कॉलम में जाते हैं कि अभी से 30,000 रुपये पर मंथ किया और आने वाले 15 साल के लिए वो करते रहे और 15% के रेट से 54 लाख जमा होगा, 2,03,00,000 रुपये आपका बन जाएगा। जो भी पैसा है आप 30,000 रुपये पर मंथ 10-10,000 रुपये करके 3 जगह लगाएंगे, और जब ये 2,03,00,000 बन जाएगा तो यहाँ से पेंशन लेना शुरू करेंगे। ये जो SIP से पैसा एक्यूमुलेट हुआ इसको पेंशन के कैलकुलेटर पर जाते हैं, 2 करोड़ रुपया यहाँ लिखा, और यहाँ से 1,20,000 रुपये पर मंथ हर एक तारीख को पेंशन लेना शुरू किए, ऐसा 15 साल तक लेते रहेंगे और मात्र 10% का रिटर्न मिले उसी फंड से जहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो वहीं से पेंशन लेना शुरू करेंगे, SWP करना शुरू करेंगे, तो टोटल पेंशन ड्रॉ कर लेंगे 1,20,000 पर मंथ की दर से 2,16,00,000, और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 3,89,00,000, दोनों को जोड़ते हैं तो 6,05,00,000 रुपया का वर्थ टोटल वर्थ बनता है। तो इस तरह से करके आप पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, तो मैं एक फंड का नाम बताता हूँ, HDFC फ्लेक्सी कैप, इसका एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ 10-10,000 करके 3 जगह लगाना है, तो पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप जहां 10,000 रुपये पर मंथ का एक रिकॉर्ड है, 1995 से लेकर 2022 तक ये शुरू हुआ था फंड, 10-10,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 33,60,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है करंट वैल्यू 12,95,00,000 रुपया, ये तो इतना लंबा समय था तो इस फंड ने इतना रिटर्न दे दिया, 20% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट होकर मिला है। दूसरे फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसका भी रिकॉर्ड देखते हैं 1995 से लेके 2022 तक, इस फंड में मात्र 10,000 रुपये पर मंथ, याद कीजिए सारे ऑफिसर लोग 1995 में जितना भी सैलरी था प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूशन था, 2,000, 4,000, 5,000 जितना भी था, अगर तो एक जस्ट एक रिकॉर्ड है कि 10,000 रुपये पर मंथ हुआ है तो 32 लाख जमा हुआ है और वैल्यू है 14,47,00,000, ये भी 22% का रिटर्न है। और तीसरा फंड है SBI स्मॉल कैप 2009 से लेके 2022 तक, ये फंड 2009 में ही शुरू हुआ है, यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ किया, 10,000 रुपये पर मंथ वैल्यू एज ऑन आज का दिसंबर 2022 तक 15,90,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है 84,45,000, सेम वही 22% का रिटर्न। हमने कितना एक्सपेक्ट करने बोला है, 12, 13, 14, 15 इतना ही करना है, अगर तो ऐसा किए 30,000 रुपये पर मंथ 15 साल तक करते रहे तो लगभग जो हमने ये 2 करोड़ का टारगेट बोला है अचीव करने के लिए ये अचीव हो जाएगा। तब तक आपको उस पैसे से काम चलाना है जो लमसम पैसा मिल रहा है और जो भी पैसा है उससे काम चलाना है, और 30,000 रुपया काट काट करके आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो लगभग 2 करोड़ का एसेट बन जाएगा। जब ये एसेट बन जाएगा तो वहाँ से पेंशन आप 1,20,000 रुपया ले सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे
तो अब सर के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।